आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। थोड़ा सा हाथ दिखा दीजिए आपका। जैसे जैसे मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लिटिगेशन भी बढ़ रहे हैं, तो उसी लिए हमारी लेजिस्लेचर ने एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का आविष्कार किया और वो अपने लेजिस्लेचर ने सीपीसी में उसको इनकॉर्पोरेट किया। आज कहीं भी देखिए तो हर कोर्ट में बहुत सारा भीड़ है। फैमिली जज के पास, क्रिमिनल कोर्ट्स डील कर रहे हैं जजेज के पास, सिविल केसेस तो कम होते जा रहे हैं क्योंकि एवरीबडी वांट्स क्विक रिलीफ। तो ये अपना एडीआर मैकेनिज्म हम एक्चुअली क्यों यूज करते हैं? राइट फ्रॉम डे वन जैसे ही लिटिगेशन शुरू होता है वैसे ही पार्टी कोई नोबडी वांट्स टू कम इन द कोर्ट। सभी चाहते हैं कि कुछ ले देंगे और इधर उधर के लोगों से काम पैचअप हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तहसील सहायक मुख्यालय में लगभग 30 कैंडिडेटों का गठन किया गया है। हमारे द्वारा विशेष प्रचार प्रसार अभियान चलाते हुए समस्त कचरा वाहनों पर लगभग 85 वाहनों पर लोक अदालत के जिंगल्स के माध्यम से लोक अदालत के प्रति जागरूकता फैलाई गई। इसके अतिरिक्त हमने एक विकलांग सदस्य के प्रतिनिधित्व में उसके माध्यम से भी गली गली मोहल्लों में जाकर के अपने लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा इस बार को जो पिछले बार भी हमने माली भाषा में कुछ जिंगल्स बनाए थे उनका बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद मिला है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। इस बार फिर हमारे एक पैनल लॉयर उनके परिवार के सदस्यों ने सहयोग करते हुए फिर माली भाषा में जिंगल बनाया था जो श्रीमती
श्री चमन भाई सिंह सोलंकी साहब का स्वागत करेंगे श्री रामकिशोर शर्मा जी। स्वागत करता हूँ और स्वागत की इस बेला में श्रीमती निहारिका सिंह मैडम सचिव विशेष न्यायाधीश महोदय का उपस्थित होकर स्वागत करेंगी। मैं आपका मंत्री आराम से बता क्या समस्या के लिए आया ना फिर क्या समस्या के लिए आया है उसकी हम पैसा जमा कर रहे हैं। अच्छा बस डिफॉल्टर का पैसा जमा कर रहे हैं। पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहे हम आपको। पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा मैंने आपको। ओके बस बात रेस कर रही थी किस लिए कर रही थी और क्या पूरा मामला का लोन था हमारे पास 2019 2019 के बाद से लॉकडाउन से कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी उनकी तो पेमेंट वगैरह भरा नहीं था। अब बहुत समय से लड़का भी उनको मैसेज कर रहा था तो पेमेंट वगैरह देने के लिए नाटक कर रहे थे। तो अपन ने जब उन पर लीगल कार्रवाई करी और यहाँ बुलाया तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं अपन ने जब पेमेंट के लिए बोला तो बोले मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। वो कानून को जो है वो मजाक में ले रहे थे इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हुई। तो हालांकि उन्होंने अभी डेट दी है 25 तारीख को अगर नहीं करेंगे तो फिर हम फिर से लीगल कार्रवाई करेंगे। देखते हैं बाकी चीज़ें साइन करवाई दी अभी हम कहाँ रहते हैं ये लोग। इनका स्थान तो देवास का ही कहाँ पर मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर आप कौन सी बैंक से हैं। धनी लोन्स एंड सर्विस। क्या नाम है आपका। पीयूष तांबे। क्या करते हैं आप। मैं कलेक्शन मैनेजर हूँ। ये बोल रहे हैं अभी ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये बोल रहे हैं महीने की किस्त थोड़ा मेरा हाथ एक्सीडेंट मेरा हाथ हो गया पूरा और मैं डैमेज सामान भी मिलता है और मेरे लड़के ने जवाबदारी ली है लिख के दे दे हर महीने 1600 तो बैंक अकाउंट हम जमा कर देंगे। इस बार क्या बस सारे काउंटर चले डालेंगे
क्या वो करते हो कितना आ जाएगा तो यहाँ पर सर, मतलब ये मान के चलिए कि 10-20 केस तो आई जाएंगे जितना होगी सर, 10-20 हो जाएंगे जी, क्योंकि सर जब मुख्यमंत्री आवास है ये तो आ जाते हैं और अपलोड वाले हैं आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ अमाउंट हम ये नोटिस करते हैं कि यू पीपल आर नॉट टेकिंग प्रॉपर सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो इतना हम तो जा ही नहीं सकता विदाउट एनी सिक्योरिटी कीपर। बहुत बीजे बटो इसको दिख तो जाए नहीं कुछ उसमें, बहुत बत्ती थे आदमी यार, खबर चलेगी जब पता चलेगा। और आप बात कर लो, हेलो।